फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन इसका मतलब ये है कि तमाम बड़ी खबरें हम आपके सामने रखेंगे विस्तार से और साथ ही साथ आपको हेल्दी रहने के टिप्स भी देंगे। जी अखबार पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि खेल जगत हो, राजनीति से जुड़ी खबरें हो या फिर देश विदेश की खबरें हो, हर वो खबर आपको यहीं पर फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में मिलेगी। तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात करें श्वेता, जैसा कि हम भी बात कर रहे थे कि सिर्फ सुबह शाम की अब ठंड बची है, लेकिन दोपहर के वक्त जबरदस्त धूप निकलती है। बिल्कुल, यानी कि धीरे धीरे जो गर्मी है ना उसकी शुरुआत हो रखी है। लेकिन कुपवाड़ा में जब बर्फीली पहाड़ियों पर बर्फीली वादियों में धूप खिली तो लड़कियों ने कैसे मौसम का लुत्फ उठाया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, तापमान 0 डिग्री के करीब है और इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में दिखाई जा रही है एक्साइटिंग क्रिकेट शॉट्स। ये तस्वीरें कुपवाड़ा की हैं, जहां बर्फ की मोटी चादर पर ही मैट बिछाकर पिच तैयार की गई और फिर शुरू हुआ चौके छक्के लगाने का खेल। स्नो क्रिकेट की ये तस्वीरें सभी को आकर्षित कर रही हैं। खेलो इंडिया इनिशिएटिव के तहत इंडियन आर्मी ने टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में महिला स्नो क्रिकेट खेला गया। बताया जा रहा है कि बर्फ की करीब 3 फीट मोटी चादर पर क्रिकेट के शॉर्ट्स दिखाए गए। मैच खेलने वाली लड़कियां भी स्थानीय परिधानों में ही नजर आ रही हैं, लेकिन क्रिकेट खेलने का जज्बा हर चीज पर भारी दिख रहा है। ना तो ठंड की परवाह है और ना ही तेज गति से आ रही गेंद की, हाथों में बैट है और हर शॉट के जरिए दुनिया जीत लेने की कोशिश हो रही है। ये टूर्नामेंट पंजगाम में खेला गया और इस टूर्नामेंट के जरिए लड़कियों ने बता दिया कि नए इंडिया में नया कश्मीर नित नए आयाम लिख रहा है। और दीपिका, वाकई लड़कियों के शॉर्ट्स देखकर के तो मजा आ गया और इंडियन आर्मी की ये पहल कितनी अच्छी है ना। और अब तो यही समझिए कि लड़कियां फिर चाहे कोई भी फील्ड हो किसी से कम नहीं है। लेकिन छिंदवाड़ा में लड़कियों ने देखो ये स्टंट किया और उनको भारी पड़ गया, क्योंकि वैलेंटाइंस डे के दिन स्टंट करना इस कपल को किस कदर भारी पड़ गया है, कितना नुकसान उन्हें पहुंचा है, आप भी देखिए इस खबर को। स्टंट दिखाने और सरेआम आशिके करने में छोटे शहर अब बड़े शहरों को पीछे छोड़ रहे हैं। अब छोटे शहरों के युवा स्टंट दिखाने में टॉप पर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आई इन तस्वीरों को देखिए, युवाओं का पूरा दल है जो स्टंट दिखा रहा है। कभी लड़की को बाइक के हैंडल पर बैठाकर स्टंट किए जा रहे हैं तो कभी अपने पीछे बैठाकर, कभी लड़की को बाइक पर बैठाकर बाइक को एक पहिए पर चलाया जा रहा है तो कभी लड़की को ही बाइक का हैंडल थमा दिया जाता है। ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। इस तस्वीर को देखिए, लड़की बाइक चला रही है और उसके पीछे लड़का बाइक पर खड़ा हो जाता है। छिंदवाड़ा में वैलेंटाइंस डे पर काफी देर तक युवक और युवतियों का ये ग्रुप हाईवे पर स्टंट करता रहा। स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और वीडियो में दिख रहे युवक और युवतियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इमली खेड़ा अंडर बाईपास पे इस तरह का प्रदर्शन मोटरसाइकिल के साथ में स्टंट कुछ युवा और युवतियां कर रहे हैं। इस वीडियो को संज्ञान में लेकर ऐसे युवकों की पहचान की जाकर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। तो जिस तरह से ये लड़का लड़की इस बाइक पर स्टंट कर रहे थे वो वाकई में बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, और जिस तरीके से लापरवाही से ये लोग अपनी जिंदगी से खेल रहे थे, और इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी लापरवाही आप अपनी जिंदगी के साथ ना खेलें। और ये लड़का लड़की जो स्टंट कर रहे थे, क्योंकि बाइक में तो देखिए बैलेंस बिगड़ते देर नहीं लगती, ऊपर से तेज रफ्तार में स्टंट रहता, तेज रफ्तार में स्टंट और तेज रफ्तार वाकई जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। देखिए उत्तर प्रदेश के मऊ में भी कुछ ऐसा हुआ और तेज रफ्तार की वजह से पता है क्या हुआ, शमशान से घर लौट रहे लोगों को वापस शमशान जाना पड़ा। देखिए पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में। यूपी के मऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ, पिकअप और स्कॉर्पियो की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हुई। दोनों ही गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ रही थी जिससे दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। घटना दोहरी घाट इलाके की है। अंतिम संस्कार कर 15 लोग पिकअप गाड़ी से वापस लौट रहे थे। सामने से आ रही स्कॉर्पियो ने पिकअप को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों गाड़ियों में सवार 19 लोग घायल हो गए। पुलिस के पहुंचने से पहले स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और लोगों की मदद शुरू की। इसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और लोगों को अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। दोहरी घाट में एक पिकअप में जो लोग किसी का दाह संस्कार करके 15 लोग करीब बैठे थे, स्कॉर्पियो से सीधी टक्कर हो गई है तो कुल 19 लोग उसमें घायल हो गए थे, जिसमें से 2 एम्बुलेंस से 4 लोग यहाँ आए हैं, जिसमें से 2 लोग मृत हैं, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज हो रहा है और
उनको रेफर किया जा रहा है हायर सेंटर पे। वाकई ये हादसा बहुत ही विभत्स था। इसकी जो तस्वीरें सामने आई है वो बहुत ही दिल दहलाने वाली हैं, क्योंकि दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग अस्पताल में भर्ती हैं जहां उनकी हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। और हादसे की आपने बात की है तो असम के जोरहाट में भी एक हादसा हुआ है जहां पर दुकान में आग लगी और एक साथ 100 दुकानों में ये आग फैलती चली गई। आग किस वजह से लगी आप भी देखिए। असम के जोरहाट में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि काफी दूर से ही तेज उठती लपटें नजर आ रही थीं। आग की तपिश के चलते करीब पहुंचना भी मुश्किल हो गया। अग्नि तांडव की यह घटना डिब्रूगढ़ जोरहाट चौक बाजार की है। बताया जा रहा है कि एक कपड़े की दुकान में आग लगी, कपड़ों ने तेजी से आग पकड़ी, जिसके बाद आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। बाजार के मुख्य दरवाजे के पास लगी आग जल्द ही करीब की दुकानों पर फैलती चली गई। देखते ही देखते आग 100 से ज्यादा दुकानों तक फैल गई, जिसके बाद आग पर काबू पाने की स्थानीय लोगों की कोशिशें नाकाम हो गई। इस बीच किसी ने दमकल को मामले की जानकारी दी। आग का विकराल रूप देख फायर टेंडर्स को मौके पर बुलाया गया। दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने के लिए जूझती रहीं। शाम से लगी आग देर रात तक धधकती रही। सुबह होने के करीब ही आग को पूरी तरह से शांत किया जा सका। इस अग्निकांड में कई करोड़ का सामान जलकर स्वाहा हो गया। तो इन तस्वीरों को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असम के जोरहाट में कितना बड़ा यह हादसा हुआ, जिसमें 100 दुकानों में आग लग गई है। लोगों की मेहनत पूरी तरह से जलकर राख हो गई। और आग तो यूक्रेन में भी धधक रही है, क्योंकि देखिए एक साल अब पूरा होने वाला है 24 तारीख को युद्ध को शुरू हुए, लेकिन अभी भी यूक्रेन के ऊपर रशिया की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। 2 मिनट में आपको दिखा देते हैं वॉर जोन से पूरे अपडेट्स। एक बार फिर यूक्रेन पर जोरदार हमला किया है। ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक का ये वीडियो विध्वंसक हमले की गवाही है, जिसमें रशियन आर्मी ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से यूक्रेनी ठिकाने पर दनादन रॉकेट से हमला किया, जिसमें यूक्रेन की जमीन को छलनी कर दिया गया और पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। रूस की आर्टिलरी यूनिट भी यूक्रेनी कैंपों को जोरदार निशाना बना रही है। आर्टिलरी के जवान दनादन गोले बरसा रहे हैं। फॉरवर्ड पोस्ट पर यूक्रेनी सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी आर्मी की गाड़ियां खाक हो गई हैं। इसका वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अजोव बटालियन का ये जवान, जो यूक्रेन के समर्थन में रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, इसे रूस की सिक्योरिटी सर्विसेज ने पकड़ लिया, जिसके बाद इस जवान के साथ बड़ी बेरहमी से बर्ताव किया गया। इसे जंजीरों से बांध कर और झुकाते हुए जेल में डाल दिया गया। ये रूस का TU-160 बम वर्षक जहाज है, जिसके दो जहाजों ने बैरेंट्स सी और नॉर्वे के समंदर के ऊपर उड़ान भरी। दोनों जहाजों ने 13 घंटे तक उड़ान भरने के बाद लैंडिंग की। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूसी बम वर्षक जहाजों के इस उड़ान को काफी अहम माना जा रहा है। रूसी हमले के बाद काफी तादाद में यूक्रेनी लोगों ने हंगरी में शरण ले ली थी। अब ये लोग जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए राजधानी बुडापेस्ट में सर्कस आर्टिस्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि सर्कस के जरिए पैसे कमाकर परिवार का गुजर बसर कर सकें। कैपिटल सर्कस में 100 से अधिक शरणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें 5 साल के बच्चों से लेकर 20 साल के लड़के भी शामिल हैं। तो देखिए हम बाहर आ चुके हैं ताकि हम इस खुली हवा में अच्छी और ताजी हवा ले सके, अपने अंदर इनहेल कर सके, और साथ ही साथ इसके साथ जो पॉजिटिविटी है मॉर्निंग की वो भी हमारे अंदर आए। लेकिन इसके साथ ही हमारा ये भी पूरा ध्यान रहता है कि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो। इससे जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है वो आपको बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, हैदरपुर बादली मोड़ रोड जो है दिल्ली में, वहां से एक मेट्रो पिलर का कुछ हिस्सा जब गिर गया तो एक दुर्घटना सामने आई है, ये बड़ी खबर। इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए फौरन नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर शटरिंग का एक हिस्सा सड़क पर खड़ी एक गाड़ी के ऊपर गिरा। ड्राइवर गाड़ी में मौजूद था और उसमें दब गया। इस हादसे में ड्राइवर को कई जगहों पर चोट आई है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। और ये तस्वीर देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे ये हादसा हुआ। ड्राइवर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अचानक उसके ऊपर इस तरीके से मेट्रो पिलर का ये हिस्सा गिर जाएगा।
वहीं डीएमआरसी का कहना है कि घायल हुए शख्स को हर संभव मदद दी जा रही है, इलाज का उसका तमाम खर्चा उठाया जा रहा है, लेकिन गंभीर रूप से ये ड्राइवर बताया जा रहा है घायल हो गया है। और ये गाड़ी वहीं पर खड़ी थी तभी अचानक से मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर ये शटरिंग का एक हिस्सा सड़क पर खड़ी इस गाड़ी के ऊपर जा गिरा और जिसकी वजह से ये जो ड्राइवर है वो घायल हो गया है। और अब उस घायल ड्राइवर की जो इलाज की पूरी व्यवस्था है दीपिका वो डीएमआरसी की तरफ से उठाई जा रही है। बिल्कुल, चलिए एक और खबर की जो चर्चा हो रही है वो आपको बता देते हैं। देश में हिंदू राष्ट्र की मांग जो है वो अब जो सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, हर कोई यही चाह रहा है कि जो सनातन धर्म है उसी को राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया जाए, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि राम राज की कल्पना करना बेकार है। पूरी खबर इस रिपोर्ट। भारत में चारों तरफ से उठ रही हिंदू राष्ट्र की मांग, वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों को रास नहीं आ रही। अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्फ ने विवादित बयान दिया है। कहा है कि भारत में न तो कभी राम राज था और न ही कभी राम राज होगा। भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना। राम राज न पहले था, न अब है, न आइंदा बनेगा। बर्फ को समस्या इसलिए हुई क्योंकि यूपी के सीएम ने टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में सनातन धर्म को ही राष्ट्रीय धर्म बताया था। योगी जी, आपने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने आपने कहा था कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म। मैं फिर बोलता हूँ इस बात को, मैं बार बार बोलूंगा इसको, सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। अब बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरा है और आरोप लगाया है कि कट्टर मुस्लिम एजेंडे वालों को ही हिंदू राष्ट्र की बात से परेशानी हो रही है। अपने आप को कट्टर मुसलमान कहने का कार्यक्रम रखते हैं, उनका जो एजेंडा है उसको कुटारघात होती है, उस पर चोट लग रही है, इसलिए चीखने का एक कारण वृक्ष साहब का हो सकता है। लेकिन देश जिस गति से चल रहा है वो देश राम राज्य की ओर चल रहा है। तो देखा आपने किस तरीके की बयानबाजी यहाँ पर हो रही है। हिंदू राष्ट्र पर गुस्सा है, राम राज पर परेशानी है, यहाँ तक कि राम के नाम पर भी परेशानी है, साथ ही रामचरितमानस की चौपाइयों से भी काफी परेशानी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हर रोज ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं और अब कदम और आगे समाजवादी पार्टी बढ़ गई है क्योंकि देखिए ऋचा सिंह और ओली तिवारी, इन दो कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध किया था। उसके बाद क्या आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं वो भी आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन और विवादित बयान देने से इनकार करने पर दो महिला नेताओं का पार्टी से निष्कासन, शायद यही अखिलेश के समाजवाद की पहचान बन गया है। समाजवादी पार्टी ने यह दिखा दिया है कि वह लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती, इसलिए उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया। आरोप लगाया गया पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का, लेकिन ऋचा सिंह का कहना है कि उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन न करने की सजा दी गई। इस तरीके से एक छद्म समाजवादी के द्वारा लगातार रामचरितमानस को लेकर जो है ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी जो समाज के लिए बेहतर नहीं है और समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली है, मैंने इसके खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर किया था और इस प्रतिरोध के चलते आज मुझे समाजवादी पार्टी के द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए मुझे मेरा निष्कासन कर दिया गया। ऋचा सिंह कह रही हैं कि राम देश की मर्यादा हैं और रामचरितमानस के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी बर्दाश्त के लायक नहीं। प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा में बसते हैं और श्री रामचरितमानस इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पूजनीय है और वो उसका सम्मान करता है। अगर रामचरितमानस के पक्ष में खड़े होने पर मेरा ये निष्कासन किया गया है तो मैं इस निष्कासन को सहर्ष स्वीकार करती हूँ। तो कितना अजीब है ना दीपिका ये, और कैसी सियासत है समाजवादी पार्टी की कि जो लोग रामचरितमानस का विरोध करते हैं अखिलेश यादव उन्हें प्रमोट कर देते हैं और जो लोग राम को अपना इष्ट बताते हैं उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो रामचरितमानस का विरोध करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आप सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, वीडियो में खुद हाथापाई करते हुए नजर आए थे, लेकिन संतों को आतंकवादी कह रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें साधु संतों से जान का खतरा है। भगवान राम का अपमान करने वाले मौर्य संतों को आतंकवादी कह रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि लखनऊ में संतों ने उन पर हमला किया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। मेरे सिर काटने के लिए किसी ने 51 लाख, किसी ने 21 लाख,
सुपारी देने की बात की, किसी ने हत्या करने के लिए 51 करोड़ से लेकर 51 लाख तक इनाम देने की बात की, हत्या करने वाली साजिश के यही लोग अलमबरदार हैं, ऐसे ही लोग साजिश करके मेरी हत्या कराने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप है कि उन्होंने लखनऊ के होटल में एक कार्यक्रम के दौरान हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को गालियां दी और उनसे हाथापाई भी की। हनुमानगढ़ी के श्री राजू दास जी 2-3 संतों के साथ में जैसे निकले तो स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हें जल्लाद और आतंकवादी कहते हुए अपने समर्थकों के साथ हमला कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है तो जानलेवा हमला किए थे और मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए। दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं और दोनों पक्ष केस दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कार्रवाई नहीं करने पर योगी सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम उन्हीं के नेता यानी कि समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेता कर रहे हैं, लेकिन विवाद लगातार जारी। ये विवाद दौर कहां कहां चल रही है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, यानी कि देश में और क्या कुछ चल रहा है वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो इस 2 मिनट के दौरान मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेती हूं और आप भी अपने घर में स्ट्रेचिंग करते हुए देखिए 2 मिनट में हमारे देश में क्या कुछ चल रहा है। अग्निवीर भर्ती के लिए अब अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 15 मार्च तक अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेना ने इसके संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक भर्ती रैली से पहले अब ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी, जिसमें पास होने पर ही भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन परीक्षा का शुल्क ₹500 रखा गया है, जिसमें से अभ्यर्थी को ₹250 देने होंगे, जबकि बाकी पैसा सेना देगी। अडानी ग्रुप के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिका में आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप ने गलत तरीके से कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ाकर दिखाई और LIC समेत कई सरकारी बैंकों ने बिना जांच पड़ताल के कंपनी में इन्वेस्ट कर जनता के पैसों को जोखिम में डाला है। मामले की जांच CBI से कराने के लिए याचिका दायर की गई है। पंजाब के भटिंडा से आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन कोटफत्ता के PA को ₹4 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने विधायक के PA को गिरफ्तार किया है। जिस वक्त गिरफ्तारी हुई विधायक भी बाहर गाड़ी के पास ही मौजूद थे और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब के 2 मंत्री पहले भी अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं। झारखंड के पलामू में शिवरात्रि के तुरंत द्वार बनाने के बाद हिंसा हुई। हिंसा के बाद से ही पलामू में इंटरनेट सेवा बंद है। फिलहाल इलाके में शांति स्थापित है। इधर देवघर में भी शिवरात्रि पर निकाली जाने वाली शिव बारात पर प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है, जिसके खिलाफ BJP ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। BJP ने देवघर में लगाई गई धारा 144 को रद्द करने की मांग की है। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में प्रोटेम पीठासीन अधिकारी को हटाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये कह चुका है कि मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। चुनाव के करीब 2.5 महीने बाद भी दिल्ली में मेयर नहीं चुना जा सका है। दिल्ली में मेयर इलेक्शन हुए बहुत वक्त हो चुका है। 3 बार मेयर चुनने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन 3 बार ये कोशिश नाकाम रही। आम आदमी पार्टी BJP पर आरोप लगा रही है कि BJP जानबूझकर मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही है। अब देखना होगा कि इसको लेकर आगे क्या कुछ होता है। और इधर हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर BJP आरोप लगा रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर, यानी कि एक मीटिंग थी जहाँ पर BJP के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। पूरी खबर आप भी देखिए। पुराने हैदराबाद में थाने पर धरना देते ये लोग BJP के कार्यकर्ता हैं। इनका आरोप है कि एक पब्लिक मीटिंग के दौरान AIMIM के नेता अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और मौके पर मौजूद BJP कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी और मारपीट की। BJP कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मौके पर मौजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। AIMIM कारपोरेटर मोहम्मद खादर रामनाथपुरा के, उन्होंने आकर वहाँ पे गड़बड़ किया, करीब 100 लोगों को लेके आया, कुर्सियाँ तोड़ दिए। साथ ही साथ इंस्पेक्टर साहब जो वहाँ पे बंदोबस्त में थे, उन्होंने भी अपना हसन राजोड़ते हुए हमारे MP साहब को खुश करने के लिए वहाँ पे है सो कार्यकर्ताओं पे उनके साथ बदसलूकी करके उनके हमारे कार्यकर्ताओं को लेके आया, मगर MIM के नेताओं को वहाँ के कार्पोरेटर को अरेस्ट नहीं किया। वही पुलिस के मुताबिक AIMIM नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पुलिस कर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है। People alleging that the inspector is manhandled and they filed a complaint against
MIM corporator. On the complaint of BJP persons, a case has been registered and investigation took up. As well as they are alleging that Bucha inspector, there discipline action will be initiated. हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई के बाद यहां पर बड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। बवाल तो जमकर हुआ, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त एक्शन इन लोगों पर लिया जाएगा। हालांकि मुंबई में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पृथ्वी शॉ के साथ जब वो एक होटल के बाहर खड़े थे तो एक लड़की ने कुछ ऐसा किया कि जमकर हंगामा हो गया। आरोप तो ये भी है कि लड़की ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की है। पूरी खबर क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ मुंबई में बवाल हो गया। मुंबई में एक होटल के बाहर खड़े पृथ्वी शॉ के साथ युवती ने बदसलूकी की। आरोप है कि सेल्फी लेने के लिए मना करने पर युवती ने पृथ्वी शॉ से बहस की और बेसबॉल के बैट से हमले की कोशिश भी की। बाकायदा इस बैरल मेंशन में यह हादसा हुआ जहां पर सेल्फी लेने की कोशिश की जा रही थी। पृथ्वी शॉ ने एक दो लोगों के साथ सेल्फी ली, जब बाद में ग्रुप फोटो के लिए मना किया तो जो लड़की है यहां पर सपना गिल, वो और उनके दोस्तों ने एक गाड़ी को फॉलो किया और उसके ऊपर हमला किया। वहीं आपको मैं स्पॉट बता दूं जहां पर ये पूरी घटना ने जगह ली, वो इसी जगह की हम बात करेंगे कि जब यहां से बाहर निकले तो रात को सीआईएसएफ के अफसर यहां पर पहुंचे और यहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में वो वीडियो भी सामने आया है जिसमें पृथ्वी शॉ के दोस्त की कार का पीछा किया। आरोप है कि युवती ने पेट्रोल पंप पर उसी बेसबॉल के बल्ले से हमला किया। इसमें अनलॉफुल असेंबली, एक्सटॉर्शन और नुकसान, ये सेक्शन लगाया गया है। इसमें एक कंप्लेंट है जिनकी गाड़ी को जो आरोपी है, सात आरोपी, उन्होंने गाड़ी फोड़ी और उसके बाद में मामला सलटाना है क्या वगैरह ऐसे बोल के 50,000 रुपये की डिमांड की। इसमें एक आरोपी अभी गिरफ्तार हो रहे हैं और बाकी के भी जल्दी गिरफ्तार होंगे। ओशिवारा पुलिस स्टेशन इसमें आगे की छानबीन करेगी। सपना गिल की तरफ से ना तो पुलिस को शिकायत दी गई और ना ही क्रॉस FIR की गई। ये अलग बात है कि सपना गिल के वकील पृथ्वी शॉ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पृथ्वी शॉ जो है बहुत ज्यादा ड्रंक थे, पिए हुए थे और अल्कोहल पे बहुत ज्यादा हाई थे। उन्होंने उनको अब्यूज किया, उनको मारा और मारने का ये एविडेंस है कि हमारे पास फोटोज आए हुए हैं जहाँ पे सपना गिल के हाथ पे बहुत ज्यादा इंजरी लगी हुई है और इसके चलते उन लोगों ने बहुत मैनहैंडल भी किया उन लोगों को अपने गुंडों के साथ मिलकर और एक वुडन का बड़ा बैट निकाला। आरोपी युवती को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वहीं पृथ्वी शॉ इस मामले में खुद को बेकसूर बता रही हैं। पर आपके फ्रेंड के गाड़ी को जो अटैक किया था वो उनका था, वो मामला उन्होंने कर दिया, जो भी करना था। आपके साथ वो सेल्फी लेना चाहते थे, फिर उसके बाद कुछ ऑल्टरकेशन हुआ था? नहीं, मैं वो छोड़ो जाना, मेरे को कुछ बोलना नहीं है, हो गया। मैं तरफ वो लोग देखेंगे। अगली खबर यह है कि स्पोर्ट्स जगत में काफी कुछ हलचल है। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को लेकर के मुंबई में जो हंगामा हुआ वो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, तो आज उस लड़की की पेशी भी कोर्ट में होने वाली है और इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं। शेयर्स अय्यर को लेकर के अपडेट है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट के हमारे स्पोर्ट्स के सेगमेंट में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच आज से दिल्ली में शुरू होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही इस सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने पारी से जीता था। इस टेस्ट मैच को जीतकर टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के एक कदम और करीब पहुंच जाएगी। माना जा रहा है कि दिल्ली टेस्ट मैच में भी पिच नागपुर की तरह ही टर्निंग होगी जिससे स्पिनर्स को फायदा मिलेगा। दिल्ली टेस्ट में भारत की तरफ से कई रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। रविंद्र जडेजा इस मैच में एक विकेट झटकते ही 250 विकेट क्लब में शामिल हो जाएंगे। वहीं रोहित शर्मा यदि पहले टेस्ट मैच का फॉर्म बरकरार रखते हैं तो वो भी टेस्ट मैच में अपने 10 शतक पूरे कर लेंगे। फैंस की निगाहें विराट कोहली पर भी होंगी। कोहली के बल्ले से 3 साल से कोई टेस्ट शतक नहीं निकला है। दिल्ली में खेला जाने वाला टेस्ट मैच चेतेश्वर पुजारा के करियर का 100वां टेस्ट मैच होगा। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले पुजारा इस टेस्ट मैच में बड़ा स्कोर बनाकर टेस्ट को यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। 100वें टेस्ट से पहले पुजारा ने कहा है कि उनका सपना भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताना है। हाल ही में पुजारा ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी और पीएम ने उन्हें 100वें टेस्ट के लिए बधाई दी थी। दिल्ली टेस्ट में टीम इंडिया एक बदलाव के साथ उतर सकती है। माना जा रहा है कि नागपुर टेस्ट में नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरे सूर्य कुमार यादव की जगह टीम में श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा सकता है। श्रेयस अय्यर इस सीजन में टॉप फॉर्म में रहे हैं। अय्यर ने हाल ही में फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद टीम को ज्वाइन किया है। सूर्य कुमार यादव पहले टेस्ट मैच में बल्ले से कमाल दिखाने में नाकाम रहे थे।
अगले एशिया कप में टीम इंडिया के मुकाबले यूएई में आयोजित किए जा सकते हैं। एशिया कप की मेजबानी इस बार पाकिस्तान कर रहा है और भारत साफ कर चुका है कि वो पाकिस्तान में खेले नहीं जाएगा। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इंडिया के मुकाबलों को दुबई और अबू धाबी में शिफ्ट करने का फॉर्मूला दे सकता है। इंडिया यदि फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल भी यूएई में ही कराया जा सकता है। और अब खबर हरियाणा के भिवानी से, जहां पर एक बोलेरो गाड़ी में दो लोगों की लाश मिली है। लाश इस तरीके से मिली है, जली हुई अवस्था में, किसी तरह कंकाली मिला है। आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के दो मुस्लिम युवक ये हो सकते हैं। हालांकि अभी जांच जारी है। हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले की जांच करके आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा यहां पर कर रही है, लेकिन ओबीसी ने इससे पहले ही हिंदू मुस्लिम करना इस पूरे मामले पे शुरू कर दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। भिवानी के लुहारू में बुलेरो में जिंदा जले दो युवकों के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। राजस्थान पुलिस के मुताबिक दो लड़कों के अपहरण की शिकायत मिली थी, जो कि बुलेरो गाड़ी में सवार थे। पुलिस ने खोजबीन शुरू की, लेकिन फोन स्विच ऑफ थे। राजस्थान पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी में दोनों सवार थे, उसे भिवानी के लोहारू से बरामद किया गया है। गाड़ी से दो कंकाल भी बरामद किए गए हैं। रात भर उनको आसपास के इलाकों में देखा, कुछ लोगों के संदिग्ध लोगों के नाम बताए गए। उनकी ये बताया गया कि वो एक बोलेरो गाड़ी में थे और उनको मारपीट करके अपहरण कर लिया है। आज सुबह वही बोलेरो गाड़ी, उसी इंजन नंबर, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर की, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारू एरिया के अंदर जली हुई हालत में मिली। उसमें दो अज्ञात व्यक्तियों की शव भी मिले हैं, जो भी जली हुई हालत में। तो गाड़ी तो वही है, ये वही व्यक्ति हैं जिनका अपहरण हुआ था और जलाया गया है। इसके लिए हमारी टीम परिजनों को लेकर के और मौके पर है। राजस्थान पुलिस के मुताबिक अपहरणकर्ता हरियाणा के हैं और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिन संदिग्धों के नाम परिजनों ने बताए, आसपास से पता लग पाए हैं, उनको राउंड अप करने के लिए स्पेशल टीम्स रवाना की गई हैं। जो संदिग्ध हैं वो सभी हरियाणा के रहने वाले हैं, उनको पूछताछ के लिए लेकर के आएंगे, उससे और घटना की जानकारी लग पाएगी। कुछ लोग तो राजस्थान पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के कह रही है कि हरियाणा के दो लोगों ने ये किडनैपिंग की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के विवाद अब बढ़ता जा रहा है। और यहाँ आसपास में ही चरखी दादरी में भी कुछ ऐसा हुआ है, जहां पर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने दो युवकों को मनचला बताकर उनकी पिटाई कर दी, जिसके बाद बवाल हुआ। अब दोनों ही पक्षों की तरफ से मामला दर्ज करवा दिया गया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के चरखी दादरी में गांव वालों ने मनचलों की बुरी तरह पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो भी बनाया गया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। आरोप है कि चाचा के साथ ऑटो में स्कूल जा रही छात्रा का पीछा मनचले कर रहे थे। मनचलों ने छात्रा और उसके चाचा को ऑटो से उतार लिया और उसके साथ मारपीट की। मारपीट की सूचना मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और मनचलों को पकड़ लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दो मनचलों की बुरी तरह पिटाई की जा रही है। एक मनचले की तो शर्ट तक फट गई, जबकि दूसरा आरोपी सफेद शर्ट में नजर आ रहा है। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। दोनों पक्ष के लोगों से बात की गई, दोनों तरफ से ही क्रॉस FIR दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इन तमाम खबरों की अपडेट्स जानने के साथ साथ आप ये मत भूलिएगा कि आपको अपने ड्राइंग रूम में भले आप बैठे हुए हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग, थोड़ी बहुत फिटनेस को लेकर के कुछ आप जरूर कर सकते हैं। और अपने खान पान पर भी ध्यान दें, क्योंकि खबरें बताने के लिए तो हम हैं। और इसी बीच जो क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो आपको बताते हैं, जहां तुर्की में रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। इसको लेकर जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो ये कि मलबे में दबी 17 साल की एक लड़की को इतने वक्त बाद बचाया गया है। देखिए, भूकंप के लगभग 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन बाद 17 साल की इस लड़की का रेस्क्यू किया गया है। और कितनी हैरानी की बात है, इसे मिराकल ही कहेंगे, कि 248 घंटे बाद मलबे से ये लड़की जिंदा मिली है। 17 साल की लड़की पिछले 10 दिन से मलबे में दबी हुई थी और उसके बावजूद जब उसे सकुशल बाहर निकाला गया तो लोगों में जो रेस्क्यू टीम है खासतौर पर, वो खुशी से झूम उठी। और इतने वक्त बाद अब जिंदगी का मिलना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुर्की में रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है और मलबे से अभी भी लोगों को निकालने का काम जारी। और 17 साल की इस लड़की को सोचो दीपिका, इतने दिन बाद, 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन तक वो लड़की मलबे के अंदर दबी रही और जिंदा रही और अब सकुशल बाहर आ गई है। बिल्कुल, और 248 घंटे हो चुके हैं और हर दिन ऐसे चमत्कार की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई है, डटी हुई है कि सभी जिंदगी को सुरक्षित बचा लिया जाए। लेकिन इस बीच दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, दो मिनट में आपको दिखाते हैं।
इजरायली सुरक्षा बलों ने ये बड़ी कार्रवाई वेस्ट बैंक में की है, जिसमें एक फिलिस्तीन हमलावर के घर को बम से उड़ा दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस हमलावर के घर को बम से उड़ाया, वो इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हुई गोलीबारी में शामिल था। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका और कनाडा से पहले जापान के आसमान में चीन का जासूसी गुब्बारा उड़ा था। इसका खुलासा जापान के रक्षा मंत्रालय ने किया। जापानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2019 के बाद उसकी हवाई सीमा में कम से कम 3 बार चीन के जासूसी गुब्बारे उड़े थे। इसको लेकर बीजिंग से कड़ी नाराजगी भी जताई गई थी। साल 2020 में मियागी प्रांत में चीन का स्पाई बलून उड़ने का दावा किया गया था। तुर्की में विनाशकारी भूकंप ने पूरे हाके शहर को खंडर बना दिया है, लेकिन मलबे में दबे कई लोग अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जिसको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई है। लोगों को बचाने के चमत्कार भी हो रहे हैं। ऐसा ही करिश्मा फिर हुआ। 6 जनवरी को आए भूकंप के बाद मलबे में दबी 85 साल के एक बुजुर्ग को अब जाकर सही सलामत बाहर निकाला गया है। वीडियो यूरोपीय देश ग्रीस का है, जहां पर हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे, बैनरों और लाल झंडे के जरिए शांतिपूर्वक मार्च निकाला और अपनी आवाज बुलंद की। इन्होंने ग्रीस सरकार से पेंशन में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर और बनाने की मांग की है। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुसीबत खत्म नहीं हो रही। फ्रांस के डॉक्टरों ने भी प्रेसिडेंट मैक्रों की परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी पेरिस में हजारों की तादाद में डॉक्टरों ने एक दिन की हड़ताल की है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं। हड़ताली डॉक्टर्स ने मांग की है कि जिस तरह से उनसे अस्पतालों में काम लिया जा रहा है, उसमें सुधार हो। बीबीसी सर्वे को लेकर के क्या अपडेट है श्वेता हमारे पास? बीबीसी सर्वे अब खत्म हो चुका है, लेकिन दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों में लंबे चले सर्वे के बाद जाहिर तौर पर विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर है। पूरा अपडेट क्या रहा इसको लेकर के वो आपको दिखाते हैं शॉर्ट रिपोर्ट में। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के दफ्तरों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे खत्म हो गया है। ये सर्वे करीब 3 दिन तक चला। दिल्ली और मुंबई के दफ्तर से करीब 60 घंटे बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें बाहर निकली। सर्वे के दौरान इनकम टैक्स अधिकारियों ने फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट किया। जानकारी के मुताबिक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्ट्रॉनिक और कागजी डेटा की कॉपी आईटी की टीम अपने साथ ले गई। इनकम टैक्स विभाग ने मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे सर्वे शुरू किया था। टैक्स चोरी की जाँच के तहत बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में टैक्स को लेकर सर्वे हुआ। ये सर्वे इंटरनेशनल टैक्सेशन और बीबीसी की सहायक कंपनियों के ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया गया। इस दौरान सर्वे टीम ने वित्तीय लेनदेन, कंपनी स्ट्रक्चर और समाचार कंपनी के बारे में जानकारी हासिल की। इस सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस कार्रवाई पर आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि आज आयकर विभाग पूरे मामले पर आधिकारिक बयान दे सकता है। तो दरअसल सर्वे को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष का यही आरोप है कि जो गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी, उसी के बाद जानबूझकर ये बदले की कार्रवाई की गई है। और इधर वाराणसी की बात करें तो वहां पर मोदी का समर्थन करने पर एक मुस्लिम परिवार की पिटाई का यहां पर आरोप है। बुरी खबर इस रिपोर्ट में। वाराणसी का ये मुस्लिम परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक है। परिवार में कोई महिला हो या पुरुष, सबकी जुबान पर बस मोदी छाए हुए हैं। लेकिन अब यही तारीफ इस परिवार के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। पूरा परिवार मोदी विरोधियों के निशाने पर है। पीएम मोदी का समर्थन करने पर न सिर्फ मुस्लिम परिवार के साथ मारपीट की गई, बल्कि घर की छत पर लगे बीजेपी के झंडे उखाड़ दिए गए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव पर हमला करवाने का आरोप है। इसलिए उठी है क्योंकि वाराणसी के एक मुस्लिम परिवार को मोदी का समर्थन करना महंगा पड़ गया है। इस वक्त हम वाराणसी के चोलापुर के अमरपट्टी गांव में मौजूद हैं और ये गांव मिश्रित आबादी का है, मतलब इसमें हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। लेकिन जिस घर के छत पर हम मौजूद हैं वो एक मुस्लिम परिवार का छत है। गफ्फार नाम के इस घर के मुखिया हैं। उनका ये कहना है कि चूंकि वो मोदी की नीतियों का समर्थन करते हैं, उनका एक तरीके से जिस लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दोनों तरफ से अभियोग दर्ज किया गया है
और इसको हम बिल्कुल निष्पक्ष भाव से जो सही वैधानिक कार्रवाई है। और दीपिका, कल महाशिवरात्रि है ना, तो वाराणसी और उज्जैन में तो अलग ही रौनक देखने को मिलने वाली है महाशिवरात्रि के मौके पर। और जो बड़ी खबर है वो इसी से जुड़ी हुई है कि उज्जैन में महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर के भव्य तैयारियां की गई है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 21 लाख दियों से महाकाल की नगरी जगमगाएगी, नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, मंदिर घाट शहर के प्रमुख स्थल सबको सजाया जाएगा और साथ ही जीरो वेस्ट होगा शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम। अभियान के साथ जुड़े हैं 22,000 वॉलंटियर, पिछले साल जलाए गए थे 11,71,000 दिए, लेकिन इस बार 21 लाख दियों का एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी उज्जैन में की जा रही है। महाशिवरात्रि है कल और इसको लेकर बाबा की नगरी में एक अलग ही रौनक देखने को मिलेगी, जहां 21 लाख दियों से महाकाल की नगरी जगमगाने वाली है। और साथ ही साथ महाशिवरात्रि का जो मौका है, इस पर जितने भी तमाम, चाहे हम काशी की बात कर लें, हरिद्वार की बात कर लें, उज्जैन की बात करें, ऐसी ही रौनक देखने को मिलती है, लेकिन उज्जैन तो एक नया रिकॉर्ड बनाने को ही तैयार है। बिल्कुल, यानी कि कल वहां से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलेगी और पूरी दुनिया में, देश में वायरल भी होगी। लेकिन देश में अब क्या कुछ वायरल हो रहा है, 2 मिनट में वो भी देखिए। सोशल मीडिया पर हाथी के गुस्से का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दूल्हा दुल्हन फोटोशूट के लिए एक हाथी के सामने रोमांटिक पोज दे रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हाथी खाने में मस्त होता है और कपल फोटोशूट करवाने में, लेकिन अचानक ही हाथी नीचे पड़े डंडे को उठाता है और जोर से कपल की तरफ फेंकता है। डंडा दूल्हे को लगता है और दुल्हन बच जाती है। इसके बाद दोनों फटाफट उधर से चलते बनते हैं। जंगल में अक्सर जानवर खाने की तलाश में बड़े गड्ढों में गिर जाते हैं। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक हाथी बड़े से गड्ढे में गिर गया। जेसीबी की मदद से हाथी को बाहर निकाला गया। बाहर निकालते ही हाथी जेसीबी पर अटैक कर देता है। तभी हाथी पर धुआं छोड़ा जाता है, जिसके बाद हाथी वहां से भाग खड़ा होता है। हाथी के रेस्क्यू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। डब्बू अंकल ने गोविंदा के हिट गाने आपके आ जाने से पर ऐसा डांस किया था कि वो रातों रात इंटरनेट पर छा गए थे। ऐसे ही इस बच्चे ने फंक्शन में इस गाने पर वैसा ही डांस करने की कोशिश की, लेकिन वो नाचते नाचते गिर गया। वो फुल स्वैग से नाचना शुरू करता है कि अचानक ही उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सब हंसने लगते हैं कि तभी बच्चे की माँ आती है और उसे उठाकर बेटे के साथ डांस करने लगती है। ये गाड़ी है या फिर डाइनिंग टेबल? क्योंकि भैया ये गाड़ी चलती फिरती डाइनिंग टेबल ही है। मतलब जुगाड़ से इस गाड़ी के साथ डाइनिंग टेबल और 4 कुर्सियों को जोड़ दिया गया है। ऐसे में जब ये गाड़ी चलती है तो लगता है कि कुर्सी और मेज पर बैठे लोग किसी रेस्टोरेंट से भाग के आए हों। ये वीडियो बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है। यूजर्स को ये देसी जुगाड़ काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर कार्डियो करने का एक देसी जुगाड़ खूब वायरल हो रहा है। सर पर दौड़ते इस युवक को देखिए, ये किसी ट्रेडमिल पर नहीं दौड़ रहा बल्कि ये देसी जुगाड़ का कमाल है। युवक पहले फर्श पर लिक्विड डालता है और फिर उस पर दौड़ने लगता है और फिर अचानक उसकी स्पीड ऐसी हो जाती है जैसे वो किसी मैदान में दौड़ रहा हो। देसी वर्कआउट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और चलिए श्रोता, अब एक अच्छी और चेहरे पर मुस्कान लाने वाली खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, जहाँ पर ड्रोन के जरिए दूर दराज के इलाकों में दवाएं जो है वो पहुंचाई जा रही हैं। बिल्कुल ऋषिकेश, एम्स से गढ़वाल के कई इलाकों में ड्रोन के जरिए दवाएं पहुंचाई गई, वो भी सिर्फ आधे घंटे से भी कम के वक्त में। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एम्स ऋषिकेश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऋषिकेश एम्स से टीबी के मरीजों के लिए ड्रोन से दवा भेजने का ट्रायल सफल रहा। ये ड्रोन आधे घंटे में दवाई का पार्सल लेकर ऋषिकेश से टिहरी अस्पताल पहुंचा। इसी के साथ ड्रोन से दवा भेजने वाला ऋषिकेश देश का पहला एम्स बन गया है। ऋषिकेश एम्स से ड्रोन के जरिए टीबी की दवाई जिला अस्पताल बैरारी पहुंचाई गई। एम्स ऋषिकेश ने पहाड़ी इलाकों के दुर्गम क्षेत्रों तक दवाई पहुँचाने के लिए नई तकनीक से सेवा देनी शुरू कर दी है। ड्रोन कंपनी के जरिए सेवा की शुरुआत की गई है। ड्रोन कंपनी के अधिकारियों ने पहली ड्रोन सेवा से 3 किलो वजन का दवाई का पैकेट नई टिहरी के लिए रवाना किया। ऋषिकेश एम्स फिलहाल दुर्गम इलाकों तक दवाई भेजने के लिए सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सड़क मार्ग से दवाइयां पहुंचाने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए समय। तो अच्छी और प्यारी खबर के साथ ही फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ढेर सारी खबरों के साथ। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।